17 स्टार्ट। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। विराम। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। विराम। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। विराम। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं कुमा, उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। विराम। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। विराम। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सबके अनुकूल होनी चाहिए। विराम। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। विराम। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। विराम। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है कुमा, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। विराम। जहां तक मेरा अपना विचार है कुमा, मैं समझता हूं कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। विराम पैरा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं कुमा, उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है। विराम। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं जिनमें से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। विराम। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहां काफी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं, वहां फैशन प्रस्त भी तैयार होते देखते हैं। विराम। हमारे साधारण गृहस्थ घरों की लड़कियां जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं तो धीरे धीरे वे भी वहां की फैशन प्रस्ती की शिकार हो जाती हैं और सुंदर सुंदर बहुमूल्य साड़ियां एवं भांति भांति की साज श्रृंगार की वस्तुओं की नकल करने लगती हैं, जिससे अपने माँ बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय कराने के संकट में डाल देती हैं। विराम। ऐसी शिक्षा प्राप्त कर
जब वे स्कूल या कॉलेज छोड़कर जाती हैं तो उनका जीवन भार स्वरूप होने का भय रहता है, क्योंकि जीवन के कार्यक्षेत्र में वह अपव्ययी शिक्षा पद्धति धनोपार्जन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती। विराम, यह नौकरी की आशा भी पूरी नहीं कर सकती, और अंत में यह शिक्षा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है। विराम, इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त है। विराम।